एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। संडे का दिन है और दिन बहुत जल्दी चढ़ गया था। ऑफ कोर्स लेट उठे, क्योंकि वीकेंड ही एक ऐसा टाइम रहता है जिसके अंदर आप लेट उठने का पसंद करती हो। तो बस हम लोग भी लेट ही उठे और फिर सब लेजी से काम हुए, बिल्कुल लेजी से सब फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट लेजी से करना, फिर लंच भी देर से होना। और अभी मैं फिलहाल यहाँ पे किचन में खड़ी हूँ, नेक्स्ट वीक की तैयारी में लगी हुई हूँ। नेक्स्ट वीक अब मतलब यानी कल से मंडे लग जाएगा, नेक्स्ट वीक की तैयारी करनी है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बर्तन ही लगा रही थी। बर्तन इतने सारे हो गए क्योंकि कल रात को मुझे लेजी थोड़ा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं आज नहीं करती हूँ, आधा बर्तन इसके अंदर लोड कर देती हूँ। आधी खाली थी और फिर आज सुबह के और बर्तन हो गए, वो सिंक में चले गए। तो मैंने यही सोचा कि अभी काम करती हूँ, स्टार्टिंग भी आप लोगों को हेलो हाय भी बोलती हूँ और साथ में यहाँ पे बर्तन भी जमाती जाती हूँ। और फिर यहाँ पे चावल चढ़ाने हैं, फिर चावल चढ़ा के नीचे जाऊँगी, लॉन्ड्री लगानी है, फिर लॉन्ड्री ऊपर आएगी धुल के, दूसरी लॉन्ड्री लगानी है, उसके बाद मुझे वैक्यूम करना है, फिर यहाँ का पोछा करना है। सब वन बाय वन बहुत सारे काम बचे हुए हैं, तो अभी वही करती जा रही थी। मैंने सोचा कि अब आज का दिन भी ख़त्म हो जाए और फिर ये जो काम बच जाते हैं वो कल पे चले जाएं, तो इससे बेटर है कि अब आज लगे हाथों सारे काम करती चली जाती हूँ। तो चलिए फिलहाल फटाफट से बर्तन जमा रही हूँ। एक बार के बर्तन जम जाएंगे उसके बाद ये रहेगा कि मुझे सिर्फ चावल चढ़ाना है, फिर नीचे जाऊंगी और लॉन्ड्री लगाऊंगी। चलिए पहले यहाँ पे बात भी करती जाती हूँ और बर्तन भी जमा देती हूँ फटाफट से। मैं तो नहा ली थी, मैं फ्रेश हो गई, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे किचन साफ कर लेती हूँ। एक बार का किचन साफ हो चुका है, लेकिन अब जब मुझे डिनर की तैयारी करनी है और अगले हफ्ते की थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, तो बर्तन हो भी गए हैं, किचन भी गंदा हो जाता है, किचन बार बार साफ करते रहना पड़ता है। कहाँ गया इसका ढक्कन, नहीं था। बच्चों की बॉटल भी धुल चुकी है और बर्तन हो गए हैं, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मेरे सिंक के बर्तन और लॉन्ड्री कभी ख़त्म नहीं होती है, हर बार बढ़ती रहती है। इतने सारे बर्तन और कपड़े देख के तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरे घर में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आती है तो वो तो डिटर्जेंट और बर्तन धोने का साबुन सबसे ज़्यादा आता है। और मैं आपको मोस्टली किचन में ही दिखूंगी, किचन में मोस्टली और नीचे लॉन्ड्री करती हुई। तो बस यही है, हालांकि हो जाते हैं सारे काम, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या वही सारे काम, पर क्या करें, अगर हमारे घर के काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बस इसी के चलते यही मोटिवेशन लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे बर्तन भी जमानी है, छीका खाली कर दिया है और अब चावल चढ़ा के चलते हैं नीचे। चलिए ये भी चढ़ा देते हैं। बस अभी नीचे आई हूँ कपड़े लगाने के लिए। ऊपर ना इतने सारे बर्तन हो रहे थे, आधे बर्तन तो लगा दिए मशीन में जितने आ सकते थे, फिर कुछ रह गए थे तो मैंने सोचा चलो उसे भी मांझ दो, क्योंकि सिंक ना भरा हुआ अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो उसे भी मांझ दो, फिर नीचे उतरो एक साथ, उसके बाद कपड़े लगा के फिर वापस ऊपर चढ़ना है। चावल हो गए मेरे, चावल बन चुके हैं, चावल की सीटी बज गई थी तो मैंने कहा चलो चावल भी बन गए हैं, पर थोड़ी देर में ना फ्राइड राइस बनाने हैं शाम के टाइम। हालांकि शाम ही हो चली है, अभी बनाते बनाते टाइम लग जाएगा, पता ही नहीं पड़ता दिन कहाँ जाते हैं। ऐसे ही काम करते करते ना आप लोगों से बात हो जाती है, नहीं तो टाइम निकल जाता है। हम होम मेकर्स की लाइफ तो ऐसी ही होती है, घर
घर को बनाना, संवारना, घर के काम करना, और काम करते करते बातें करते रहना। चलिए कपड़े लग गए हैं, अभी इन्हें भी मशीन में डिटर्जेंट डाल के बस लगा देती हूँ। डिटर्जेंट डाल दिया एक कप, बहुत स्ट्रांग होता है ये वाला, यहाँ के डिटर्जेंट ना बहुत स्ट्रांग आते हैं। और एक पूरा कप ना फैब्रिक सॉफ्टनर डाल रही हूँ, मेरे कपड़ों में फैब्रिक सॉफ्टनर डालती हूँ लेकिन कम डालती हूँ, ये एक ही बहुत है, बड़ा लोड है इसलिए बंद कर दिया ट्रे और लगा के चलते हैं ऊपर। अब इसको होने में एक घंटा लगेगा, तब तक ऊपर के वैक्यूम वगैरह सब हो जाएगा, छुटकारा छुटकुरी हो जाएगी। चलिए चलते हैं। लाइट चालू करनी पड़ी है। कहाँ तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि यहाँ पे इतना गर्मी हो रखी है, कल भी बहुत गर्मी थी और आज भी बहुत गर्मी है, 100 डिग्री हो रखा था और अब अचानक से तूफान आने लग गया। ये देखो बाहर कैसा बादल छाने लग गया, पूरा काला काला सा हो गया, दिखा दी देखो कितनी तेज आवाज आ रही है उधर से ना, बादल आ रहे, दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ना अचानक ऐसे बादल छाने लग गए, वो उस साइड से ना बादल आ रहे हैं, पूरा ग्रे ग्रे हो गया। आदि प्रशा लुक, सच अ ग्रे ग्रे, व्हाट इज गोइंग ऑन, सच अ ब्लैक ब्लैक, तो काला काला हो गया। कहाँ तो इतनी गर्मी हो रही थी, अब अचानक तूफान आने लग गया है, तो इतना अंधेरा हो गया ना घर में, इसीलिए मैंने लाइट चालू कर ली। लुक आदि, लुक, वाओ, दैट लुक्स सो ब्यूटीफुल। Yeah, it looks different. Be careful, okay? It's going to. There was so many bumblebees over there. Adi Prisha yahan pe khade hokar dekh rahe hain, unko lag raha hai ki it's such a different. Right, Adi? But it looks so beautiful, right? Pata nahi yaar, itna dekhne se to bahut acha lag raha hai badal ekdam. Dono bacche yahan pe masti kar rahe hain. Come on, come inside. Hey, there is a madhumakhi. Come on. अब बस ये ऐसा ही मौसम हो जाता है ना, तो इसीलिए समझ नहीं आता कि प्लांट्स को अंदर रखें कि बाहर रखें, क्योंकि इतनी तेज हवा चलती है, कितनी बार प्लांट ना इधर उधर लुढ़क जाते हैं। अब पिछले साल तो मैं प्लांट की बहुत टेक केयर कर रही थी, अब जहाँ ठंडा हुआ तो मेरे प्लांट्स भी सूख गए, तो अभी मैंने इसीलिए स्टार्टिंग ही नहीं करी कि भाई फिर से प्लांट्स को लगाऊं और फिर वो सूखें, इसीलिए ना हर साल यहाँ पे प्लांट लगाने पड़ते हैं। चलिए अभी बहुत सारे काम हो गए, नीचे की एक बार की लॉन्ड्री हो गई तो लॉन्ड्री को भी बदल के आती हूँ, वो लॉन्ड्री लगाती हूँ ड्रायर में और जाके लगाती हूँ दूसरी लॉन्ड्री। काम तो चल ही रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, काम चल रहे हैं, काम रुकने नहीं है। फिर आके यहाँ पे फ्राइड राइस की तैयारी करती हूँ। ओहो, प्रिशा ने ना अभी लाइट बंद कर दी थी, प्रिशा आप लोगों को ये दिखाना चाहती, कम है प्रिशा, कम है, इसकी क्यूट सी ना ये सोलर लाइट है जो हम लोग डॉलर ट्री से खरीद के लाए थे, क्यूट सी ये ना, यहाँ पे सोलर प्लेट है और इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है ना तो ये चार्ज अप हो जाती है और रात के टाइम ना ये ऐसी चमकती है। तो प्रिशा भी मुझे वही दिखा रही थी, क्योंकि अब अंधेरा अंधेरा हो गया था ना तो घर में जलने लग गई थी। लानी तो मुझे बटरफ्लाई वाली थी क्योंकि इसे चाहिए थी बटरफ्लाई वाली,
पर बटरफ्लाई वाली मिली नहीं, तो मैंने कहा चलो जो मिला है उससे ही काम चला लो। पक्षी वाली मिली है, मतलब बर्ड वाली मिली, तो बर्ड वाली ही ले ले। चलिए अब नीचे जाती हूँ, नीचे जाके वॉशिंग मशीन में से एक बार के कपड़े चेंज कर देती हूँ, कपड़ों को लगा देती हूँ ड्रायर में और दूसरा लोड लगा देती हूँ, तो अब वो भी धुल जाएंगे। यानी कि अभी मुझे लगाने हैं बच्चों के कपड़े, तो बच्चों के कपड़े लगा के आती हूँ। यहाँ का झाड़ू वगैरह भी हो गया, झाड़ू पोछा दोनों कर दिया मैंने, नीचे के एक बार के कपड़े बदल दिए, जो वॉशिंग मशीन में हो गए थे उन्हें ड्रायर में लगा दिया, यहाँ पे झाड़ू पोछा कर दिया, नए एक बार के और नए जो कपड़े थे वो लोड कर दिए, बर्तन धुल चुके हैं। टाइम कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं पड़ता। और यहाँ के जो टॉवल थे ना वो भी मैं नीचे ले गई थी, तो पता है वो भी धोने के लिए लगा दिया, इसीलिए अभी जब ऊपर चढ़ी थी ना वापस से वो बकेट रखने के लिए लॉन्ड्री बकेट, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एप्रन भी लेकर आती हूँ, अब एप्रन पहनना शुरू करूंगी, हाथ में आया है तो। मेरे को पता है क्या होता है कि पहले भी ऐसे दो पड़े रह गए थे, मैंने यूज ही नहीं करे थे, खरीद तो लेती हूँ पर यूज ही नहीं करती हूँ। और यहाँ भी ना ये टॉवल भी खोल दिया मैंने, मैंने यहाँ के टॉवल बदल दिए, तो मैंने कहा चलो यार टॉवल भी बदलो, यहाँ के हर हफ्ते बदलने पड़ते हैं यहाँ के, तो हर रोज तो क्या ही बदलूंगी, धोने में ही जा पाते, धो ही नहीं पाती हूँ, हर रोज तो नहीं धो पाती हर दो तीन दिन में, और फिर वो ये यहाँ के जो खाली होते हैं ना तो फिर वापस रखना भूल जाओ, फिर मुसीबत हो जाए, इसीलिए मैंने हफ्ते के हफ्ते बना दिया अभी तो, कि चलो भाई हफ्ते के हफ्ते। और मैं तीन एक साथ लगाती हूँ, मेरे पास 15 है लेकिन वो 15 भी इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। चलिए आज खाने में बन रहा है फ्राइड राइस, चावल बन चुके हैं इंस्टेंट पॉट में, और ये मिक्स वेजिटेबल ना मैं ट्रेडर जोस से लेकर आई थी, ये पूरी तरीके से रोस्टेड हैं, रोस्टेड के साथ साथ ना ये उसमें बटर के अंदर शैलो फ्राई कर रखे हैं उन्होंने और इसको फ्रोज कर रखा था, तो अब मैं इसको बस हल्का सा फ्राइड राइस करने के लिए बस अच्छे से प्याज और वो सब डालूंगी, कच्चे प्याज नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो कच्चे प्याज रहने दो, अभी प्याज तो है एटलीस्ट प्याज डाल दूंगी, थोड़ा सा कसूरी मेथी ऊपर से डाल दूंगी, जरा सा ज्यादा नहीं, और बाकी ये सब्जी तो हो ही जाएगी। और साथ में सब्स्टिट्यूट ये है कि अगर आप चाहे तो पनीर पीसेस भी डाल सकते हैं, चाहे तो अपने एग्स भी डाल सकते हैं, स्क्रैम्बल एग या अंडे की भूजी बना के भी डाल सकते हैं, देखती हूँ जैसा भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और चलिए बनाते हैं। तो फ्राइड राइस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, फ्राइड राइस बनाने के लिए चाहिए यहाँ पे बेल पेपर्स, स्वीट बेल पेपर्स, और ये मिक्स वेजिटेबल का एक पैकेट, थोड़े से अनियंस, राइस, यहाँ पे मैंने लिया है केचप, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सोया सॉस, और ये थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए ये स्वीट चिली विंग सॉस, एक्चुअली ये बिल्कुल खट्टी मीठी चटनी जैसा ही है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें चाहिए। और ये कैसे बना रही हूँ चलिए बनाते हैं, लेट्स गो। एक पैन चढ़ाएंगे, पैन के अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, तेल गर्म होने के बाद डालेंगे इसमें प्याज, गैस को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, कम आँच पे ही रखना है, मीडियम, अच्छे शैलो फ्राई होने तक इनको हिलाना है, जरूरत पड़ेगी तो डीप फ्राई करेंगे नहीं तो शैलो फ्राई में हो जाता है। लेट्स गो। प्याज शैलो फ्राई होने वाले हैं, तब इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्ची,
अब इसके अंदर हमारी जो फ्रोजन मिक्स वेजिटेबल्स हैं वो सारा पैकेट इसके अंदर डालना है। इसको अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो सब्जियाँ पहले से ही बटर के अंदर रोस्टेड है, तो बस इसको अच्छे से टॉस करना है। टॉस मतलब ऊपर नीचे हिलाना है, ऐसे आपस में अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम लोग डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत तीखा होता है, उस हिसाब से डालना। मैंने 2 चम्मच डाले हैं। थोड़ा सा सोया सॉस, सोया सॉस बेसिकली बहुत खट्टा होता है तो मैंने डाला है इसके अंदर, क्योंकि मेरे चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैंने 5 चम्मच डाला है। कलर भी अच्छा आता है इससे, स्वाद अच्छा आता है, दूसरे किसी चीज़ की खट्टेपन की ज़रूरत नहीं है अगर सोया सॉस डल जाता है तो। साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये वाला चिली सॉस। ये हल्का ही मीठा है, ज़्यादा मीठा नहीं है। केचप भी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा स्वाद लाने के हिसाब से, और केचप में विनेगर होता है थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा टेस्ट में। इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस अभी ये सब्जी हो गई है, अब इसके अंदर धीरे धीरे करके चावल डालते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे चावल मिक्स करने, चावल उतने ही मिक्स करने जितनी क्वांटिटी आपको लगे कि उसके अंदर मिक्स होने करते हैं। थोड़े थोड़े करके मिक्स कर रही हूँ। अब इतने सारे सॉसेस डाले हैं तो थोड़ा सा नमक तो डालना बनता है, नहीं तो एकदम खट्टा खट्टा या यू नो मीठा मीठा स्वाद आएगा। तो मैंने बिल्कुल जरा सा अपने स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप लोग भी अपने स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक, काली मिर्ची वगैरह मिक्स कर सकते हैं। मैं काली मिर्ची इसलिए नहीं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर जो हॉट चिली सॉस डाला है ना वो उसकी कमी पूरी कर देगा मिर्ची की। तो यहाँ पर हमारे टेस्टी से फ्राइड राइस तैयार है। आई एम सॉरी, बीच बीच में मेरा कैमरा हिल रहा होगा। फ्राइड राइस बन चुके हैं, अब बारी आती है बच्चों के डैडी को चखाने की। तो बच्चों के डैडी को बुलाते हैं। बच्चों के डैडी कम हियर। लाइव होने जा रहा है आप लोगों के सामने। ट्राई दिस फ्राइड राइस। अच्छे बने? फीके हैं, मिर्ची वाले हैं, खट्टे हैं, कैसे हैं सबको बताओ ना। बिना मिर्ची, ज्यादा मिर्ची नहीं खाते हम लोग इसके, पर बहुत ही डिलीशियस है। अच्छे बने? पहली बार इतना रियल वो एक्सप्रेशंस दिया है ना, नहीं तो हर बार ही पता नहीं कैसे कैसे से देते हैं। गुड।
गुड मस्त अच्छी देयर यू गो। चलो मेरी मेहनत सफल हुई, देयर यू गो। आप लोग भी जरूर बनाइएगा ये वाले फ्राइड राइस। तो चलिए अभी एंजॉय करते हैं हम लोग हमारी मील, उसके बाद मैं आप लोगों को कैचअप करती हूँ। और बाहर ना बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ये देखो बाहर अभी भी बारिश हो रही है, काले काले से बादल हैं, बहुत अंधेरा सा हो रखा है, पर वो तो घर में लाइट चल रही है तो पता नहीं पड़ रहा है। तो चलिए अभी हम लोग हमारा डिनर करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को कैचअप करती हूँ। तो चलिए गाइज आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हम लोगों का डिनर हो चुका है, ऊपर बच्चों के डैडी और बच्चे सब बैठ के सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चे अपना आईपैड चला रहे हैं क्योंकि अब उनके पास भी लास्ट 15-20 मिनट्स ही बचे देखने के लिए। वो अपना कुछ ना कुछ देखते जा रहे थे, बिजी हो गए थे काफ़ी देर तक खेलने के बाद। आज दिन भर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा, एटलीस्ट मेरा तो बहुत ही ज़्यादा रहा। घर से लेकर पूरा जितना भी सामान था और जितने भी काम थे वो सारे मैंने संभाले। बच्चों की डैडी अपने जॉब से रिलेटेड पेपर वर्क करने में लगे हुए थे, इसलिए आज वो काफ़ी बिजी थे तो ज़्यादा बात भी नहीं कर पाए। पर हाँ, उन्हें डिनर बहुत अच्छा लगा, फ्राइड राइस। मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करी है, आप लोग भी बनाइएगा और खा के मुझे बताइएगा बना के कि कैसी लगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। अभी भी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए हैं, कपड़े लगाने के लिए यहाँ पे आई हुई थी नीचे, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से आप लोगों को बाय भी कर देती हूँ। चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बारिश भी हो रही है बहुत तेज़, यहाँ तो मौसम ही चेंज हो गया, कमाल ही है।